क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 120 में आपको गिवन है दो अभाज्य संख्याओं का यानी दो को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, 117 है, और उसका एलसीएम आपको फाइंड करना है। ठीक है, अगर दो को प्राइम नंबर्स हैं इट मीन्स उनके बीच में कॉमन क्या होगा, 1 होगा, और जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने नंबर्स ले लिए 13 × 9 को प्राइम है, और 13 और 9 का जो आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 117, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। 122 में आपको गिवन है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उसका महत्तम संवर्तक 12 है, तो इस तरह की संख्या के कितने संभावित जोड़े होंगे। एलसीएम गिवन है 12, नंबर हमने मान लिया एक एक्स है दूसरा वाई है। ठीक है, तो नंबर्स क्या हो गए, 12x और 12y हो गया आपके पास। ठीक है, 12x और 12y का आपका जो गुणनफल है वो दे रखा है 2160। यहाँ से हमने एक्स वाई फाइंड कर लिया, वो आपके पास आया 15। 15 के अब देखते हैं को प्राइम 3×5 और 1×15। ठीक है, ये पॉसिबल है, तो यहाँ से आपके पास एक्स वाई, ये भी एक्स वाई है और ये भी आपका एक्स वाई है। यहाँ पे आप एक्स वाई यहाँ पे पहले 3 रखेंगे तो 36, 5 रखेंगे तो 60। ठीक है, फिर एक्स को 1 रखा 12, फिर एक्स को 15 रखा तो 180। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे पॉसिबल कितने पेयर्स बने, 2, तो ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 सिंपल सा है, 5 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर वो बजती हैं, तो कितने सेकंड के बाद वो दोबारा बजेगी, तो आपको एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम ले लोगे 6, 7, 8, 9 और 12 का, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 504, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 125, एलसीएम फाइंड करना है आपको, 3 फ्रैक्शन वैल्यूज दी गई हैं, तो अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो न्यूमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ठीक है, तो 2, 4 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा 20, और 3, 9 और 6 का जब आप एचसीएफ लोगे तो आएगा 3, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 20/3, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 126, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 2 शेष बचे, यानी आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे और एलसीएम लेके उसमें 2 क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, 6, 9, 12, 15, 18 का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 180, ये तो वो नंबर है छोटे से छोटा जो कम्प्लीट डिविजिबल होगा। आपको बोला है कि 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो आप प्लस 2 कर दोगे। ठीक है, अगर आपको इसको ऑप्शन से करना है तो आप देखोगे यहाँ पे 6, 9, 12, 15, 15 यानी 3×5, यहाँ पे आप ऑप्शंस में 5 की डिविजिबिलिटी रूल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब उसने बोला है कि रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, तो 180 को आप जब डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर 0, 175 को करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 2 नहीं आएगा, 178 को करोगे तो भी नहीं आएगा, रिमाइंडर 2 किस पे आ रहा है, 182 पे आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी हम यानी डिविजिबिलिटी रूल लगा के भी इसको कर सकते थे, तो आपको एलसीएम निकालने की इसमें नीड नहीं होगी। नेक्स्ट है 127, एक्स की पावर 6 - 1 और एक्स की 4 + 2x³ - 2x - 1 का एचसीएफ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो हम लेते हैं x माइनस में 6, इसको मैंने लिख लिया x की 2 उसकी पावर 3 माइनस में 1 की क्यूब, यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने a की क्यूब माइनस में b की क्यूब, वहाँ से ये इक्वेशन आ गया आपके पास, राइट। उसके बाद जो सेकंड टर्म दी हुई है x की 4 2x³ - 2x - 1, उसको हमने
इस फॉर्म में ले लिया इन दोनों को एक साथ और इसको एक साथ, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने लिख लिया एक्स के 2 की पावर 2 माइनस में 1 की पावर 2। यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा एक्स के माइनस में 1, ए के माइनस में बी के, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी यूज़ किया, ये आपका एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर लिए तो आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे वो कि इसमें और इसमें हमारा क्या कॉमन है, एक्स के माइनस में 1 कॉमन है, और जो दोनों नंबर में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, एच सेफ होता है। तो आपका आंसर सी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 2300 तथा 3500 में भाग देने पर क्रमशः 32 तथा 56 शेष बचे। इट मीन्स आप क्या करोगे, 2300 में से 32 को और 3500 में से 56 को माइनस कर दोगे, जो आपके पास नंबर आएंगे उनका आप क्या ले लोगे, एच सी एफ ले लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। मान ले एक्स एक लघुत्तम संख्या है, लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या 12, 16, 18 और 21 से वो कंप्लीट डिविजिबल हो जाती है। तो उन नंबर का आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो 12, 16, 18 और 21 का आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, वो आ गया आपके पास 1008, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड करने के लिए बोला है तो आपके पास नंबर टू भी एडेड क्या आ जाएगा, 16, और 16 को आप सम ऑफ डिजिट पूछा है तो 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 130, मान ले एक्स न्यूनतम संख्या है जिससे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, परंतु 9 से भाग करने पर कोई भी शेष नहीं बचता, तो एक्स के अंकों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने 5, 6, 7, 8 का एलसीएम ले लिया, जो आपके पास आया 840। 840 में आप 3 जोड़ोगे क्योंकि शेषफल बच रहा है 3। तो आप इस नंबर को चेक कर लो, 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हम नेक्स्ट नंबर की ओर जाएंगे, 1680, इसमें 3 जोड़ोगे तो आप इसको क्या करोगे, 9 से डिविजिबल करके चेक करोगे, तो ये कम्प्लीट डिविजिबल है, और इस नंबर का जब आप सम कर देंगे तो 18 आएगा, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। और आप इसको विद इन 1 सेकेंड भी कर सकते थे, अगर 9 से डिविजिबिलिटी है, यानी आपको 9 से चेक करना है, तो सम ऑफ डिजिट क्या होनी चाहिए, 9 होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप जब ऑप्शन देखोगे 7, तो 7 तो नहीं है 9 से डिविजिबल, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन डी, आपको ये प्रोसेस करने की नीड नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 131, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 पर रहता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। तो सिंपल सा, आप 47 को 9 से डिवाइड कर दोगे और आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, यानी 9 आ जाएगा, ठीक है। 132 में क्या गिवन है आपको, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक आपको गिवन है और लघुत्तम समावर्तक 21 और 84। दो संख्याओं का अनुपात है 1 और 4, तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो नंबर का रेशियो है 1 और 4, तो नंबर क्या हो जाएंगे, 21 और 84, ठीक है। और आपसे पूछा गया है उसने दूसरी यानी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या आपके पास 21 आ गई और दूसरी संख्या आपके पास 84 आ गई, ठीक है। तो आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन में आपको गिवन है दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम, लघुत्तम समवर्तक उसके महत्तम समवर्तक का 12 गुना है, महत्तम और लघुत्तम समवर्तक का योग 403 है। एक संख्या आपको 93 गिवन है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। पहले एस एफ हो गया एक्स, एल सेम उसका 12 गुना ही नहीं, 12x, दोनों का सम दे रखा है 403। यहाँ से हमने एक्स फाइंड कर लिया, यानी एस सी एफ फाइंड कर लिया, और यहाँ से हमने एल सेम फाइंड कर लिया 372।
एच सी एफ आ गया, एल सी एम आ गया और वन नंबर गिवन है, तो सेकेंड नंबर आप फाइंड कर लोगे जो आपके पास आएगा 124। 134, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 99 एंड एच सी एफ इज 9। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड, नंबर्स आप एक्स और वाई के रेशियो में हो जाएंगे और 9 आपको दे रखा है एच सी एफ, तो नंबर हो गया आपके नो एक्स और नो वाई। ठीक है, और दोनों का सम दे रखा है आपको 99। यहाँ से एक्स प्लस वाई आपके पास क्या हो गए, 11 हो गए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स आप फाइंड करोगे को प्राइम जिसका सम क्या हो 11। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी पेयर्स कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, 135, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, लघुत्तम संवर्तक 120 है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। एस सिर्फ मान लिया एक्स, नंबर हो जाएगा 3x और 4x। इस नंबर का आप जब एलसीएम लोगे तो 3 × 4 × x जो बराबर हो जाएगा 120 के, तो 12x = 120 के, तो x बराबर हो गया 10 के। यहाँ से हमने नंबर फाइंड कर लिया, नंबर का योग कर दिया यानी 70। 136, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, एलसीएम लोगे 252 और जो आपकी 4 डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है 999, उसको क्या करोगे 252 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपके पास आएगा 171 और आप उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 137। आप खुद ट्राई करेंगे। 138, 1000 और 2000 के बीच में कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36 और 80 से भाग किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचते हैं। ठीक है, तो पहला काम है आपके पास रिमाइंडर फाइंड करना। ठीक है, तो 700 एलसीएम फाइंड करना, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 720, लेकिन हमें किसके बीच में चाहिए, 1000 और 2000 के बीच में चाहिए। ठीक है, तो 1000 और 2000 के बीच में आपको चाहिए, मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये 1000 और 2000 के बीच में, और ये वो नंबर होगा जो कम्प्लीट डिविजिबल होगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, 11 शेष चाहिए, तो आप 11 को इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, 139, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम है उनके बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो 100 से कम यानी ग्रेटेस्ट और लीस्ट प्राइम नंबर के बीच में, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा आपका 97 और लीस्ट प्राइम नंबर आपके पास कौन होगा 2, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 95, यानी ऑप्शन ए। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 4000 और 5000 के बीच में ऐसी संख्या जो 12, 18 और 21 तथा 32 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करोगे 12, 18, 21 और 32 का। ठीक है, जो आपके पास आ जाएगा 216, तो 216 तो 4000 और 5000 के बीच में नहीं है, नेक्स्ट नंबर यानी नेक्स्ट एलसीएम की ओर जाएंगे 4032। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है।